नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उषामानंद और देखिए आज आपका 7 मई और देखिए आज की सीरीज में जो भी आपके विद्यार्थी जीवन से संबंधित जो भी आपकी न्यूज़ है आज के देखिए आज की सीरीज में पूरा आपको बता देगा, ठीक है। और देखिए विद्यार्थी जीवन के लिए देखिए ये आपका दैनिक समाचार होता है कंटिन्यू, और देखिए हर रोज़ आप लोग को ये जरूर देखिए जरूर जानकारी होनी चाहिए कि आपके आसपास या फिर आपके एरिया में या फिर आपके देश में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन सा फॉर्म आ रहा है, किसका विज्ञापन आने वाला है, किसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। तो देखिए देखिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं देखिए जो आज की सीरीज में कि देखिए अगले माह होगी 5100 अध्यापकों की नियुक्ति। तो देखिए जो आपका देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में देखिए जो आपकी नियुक्ति कराई गई थी 69,000, इसमें देखिए जो आपकी सीट बची थी 5100 उसका देखिए उस पर भी देखिए आपके कटाप को गिरा करके और इसको अगले माह में इसको नियुक्ति कराई जाएगी, ठीक है। देखिए जो बच्चे देखिए दशमलव में या फिर देखिए दशमलव के 1-2 अंक तक इधर होंगे उनकी नियुक्ति होने की संभावना है, क्योंकि देखिए इसमें 5100 पद जो रिक्त हो गया था उस पर और भी कटाव गिरा करके और बच्चों को लिया जाएगा। देखिए इसमें देरी इसलिए होती है ना कि जो आपके विद्यालय थे वो देखिए अपने जो रिक्त पदों का ब्यौरा थे वो सब नहीं दे रहे थे, इसीलिए की वजह से इसमें देरी हुई थी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं देखिए आपके देखिए अगर देखिए देखिए सूचना की तो देखिए उत्तर प्रदेश में अब मिलेगा आपको आयुष काढ़ा मिलेगा, ठीक है। देखिए कोरोना से उपचार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देखिए अब हर आंगनबाड़ी एरिया में आयुष काढ़ा का बंटवारा किया जाएगा। देखिए ये क्या होता है देखिए आयुष काढ़ा, ये आपको देखिए जिसे आप लोग अपने घर पर बनाते हैं काढ़ा उसी प्रकार से आपका होगा काढ़ा। देखिए आयुष काढ़ा देते समय मरीज के साथ लेनी होगी सेल्फी, और देखिए इसका प्रमाण देखिए जिन व्यक्तियों को ये करा दिया जाएगा उसके साथ सेल्फी खिंचाकर सरकार को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि देखिए किन किन को इसका बंटवारा किया गया है, ठीक है। और देखिए 30 अप्रैल को आयुर्वेद विभाग के निदेशक ने सभी कॉलेजों को ये देखिए पत्र भेजा था, और देखिए अब इस पर देखिए सहमति मिल गई है। अब देखिए अलग देखिए वीडियो भी अपलोड करना होगा, जिसे देखिए अब जिस ग्राम सभा में इसका बंटवारा होगा उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करके उसको भेजना होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं देखिए आपका देखिए आगे देखिए न्यूज है कि देखिए अभी टीजीटी का जो आपका देखिए इस समय देखिए चल रहा है आपका ऑनलाइन आवेदन उसका देखिए डेट को देखिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। देखिए दिया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा बोर्ड पर देखिए प्रयागराज, देखिए इसका जो आपकी अंतिम तिथि थी वो देखिए 15/5 कर दिया गया है, जिसे अब देखिए उसका जो अंतिम तिथि थी वो 30 अप्रैल थी, अब उसको बढ़ाकर आपके 15 मई तक कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए टीजीटी का जो आपका देखिए विज्ञापन अभी आया था देखिए 15,000 का, उसी का देखिए जो अंतिम डेट है उसको बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। देखिए बात करते हैं देखिए आपको देखिए अगर देखिए न्यूज़ की तो देखिए अगर देखिए न्यूज है कि देखिए अब देखिए जो आपका टीका लग रहा था देखिए उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा अब देखिए टीके पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि देखिए देखिए इससे पहले देखिए 45 वर्ष से प्लस जो आयु के जो बच्चे थे या फिर जो भी बुजुर्ग रहे होंगे जो भी देखिए उनको टीका आप देखिए सीधे जब किसी भी सेंटर पर जाने के बाद आधार कार्ड के साथ उनको टीका लगता था, लेकिन अब देखिए क्या होगा देखिए 45 वर्ष से अधिक आयु के जो भी होंगे नागरिक उनका जो प्रथम डोज है अब उनको ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही लगाया जाएगा, 10 मई के बाद ये प्रक्रिया रोक दी जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो 18 प्लस जो आयु के जो बच्चे होंगे उनको भी ये आपका टीका लगाना धीरे धीरे शुरू होगा, ठीक है। तो इसी की वजह से अब देखिए 10 मई से पहले जिन लोगों को लगवाना टीका जिनका उम्र 45 वर्ष से ऊपर है वो जाकर सीधे लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही टीका लग पाएगा, ठीक है। देखिए बात करें देखिए आपकी देखिए अगर देखिए न्यूज़ की तो देखिए अभी यूपी देखिए पीएससी की बात करेंगे तो देखिए याद रखिएगा देखिए यूपी पीएससी में देखिए अभी यूपीएससी ने जितने भी कापियाँ का मूल्यांकन किया था उसको दिखाने से इंकार कर दिया, क्योंकि देखिए कोरोना के ऐसे में समस्या चल रही है। देखिए क्या बोला है कि जब कापियाँ दिखा नहीं सकते तो परीक्षा कैसे कराएंगे यूपीएससी। देखिए अभी कोर्ट ने क्या बोला है कि देखिए अभी देखिए जो आपका देखिए पीसीएचजे 2018 का एग्जाम हुआ है, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ, देखिए इन सब का जो आपका देखिए कॉपियाँ है ना ये देखिए आरटीआई के माध्यम से ना ये यूपीएससी दिखाने से मना कर दिया, क्योंकि इस समय कोरोना का समस्या चल रहा है, ठीक है। देखिए बात करते देखिए आपका देखिए अगर देखिए न्यूज़ की तो देखिए अब उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 25% का प्रोत्साहन राशि। देखिए ये आपके सरकार द्वारा दी जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और देखिए हर जो भी कर्मचारी या फिर जो भी स्वास्थ्य कर्मी होंगे डॉक्टर्स होंगे जो उनका देखिए कोरोना में लगे ड्यूटी उन लोगों को 25% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें देखिए देखिए दिया भी है कि देखिए 400 रुपये तक का रोज नर्सिंग छात्राओं को मिलेगा मानदेय, ठीक है। और देखिए महीने में कम से कम 14 दिन करनी होगी कोविड ड्यूटी। देखिए इसी के अनुसार आपके देखिए हर महीने जो भी आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी वो आपके मतलब खाते में दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए बात कर देखिए आपके देखिए अगर देखिए न्यूज़ की तो देखिए पंचायत चुनाव के भेंट चढ़े 2000 शिक्षक को कर्मचारी। देखिए अभी चुनाव ड्यूटी अलग थी जो भी उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर थे उनका पंचायत चुनाव में, तो देखिए लगभग 2000 अध्यापकों की
मृत्यु हो गई है कोरोना के समस्या से। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, यदमा परिणाम को बचा कर रखेंगे। देखिए कोरोना के बारे में यदि बात करेंगे तो देखिए कल देखिए दुनिया का सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ा है भारत। देखिए 4.3 लाख केस आया कल का। ठीक है, तो देखिए यदि हम अपने आप को बचा कर रखेंगे, इस आंकड़े में कहीं आपका नाम ना हो जाए, इसीलिए अपने आप को बचा कर रखेंगे। देखिए बाघ देखिए आपके देखिए अगर देखिए न्यूज की, तो देखिए अभी दिल्ली का देखिए न्यूज आया है कि देखिए 8 जून से होंगी सभी परीक्षाएं। देखिए दिल्ली में जो भी आपका फॉर्म आया था एक साल पहले 2019 की शुरुआती में फॉर्म आया था, और देखिए वो अभी आपका PGT का फॉर्म आया था, ठीक है, लाइब्रेरियन का आया था, और देखिए TGT के भी देखिए कुछ पदों का फॉर्म आया था, उसका भी एग्ज़ाम अब तक नहीं हो पाया है। तो देखिए अभी दिल्ली ने देखिए क्या जारी किया है कि 8 जून से सभी परीक्षाएँ होंगी। देखिए ये उसका देखिए ऑफिशियल देखिए आपको नोटिस भी आया है। ठीक है, लेकिन देखिए एक बात याद हाँ देखिएगा, देखिए अगर कोरोना का देखिए कंडीशन अगर ऐसे ही रहा तब तो देखिए समस्या हो सकती है, नहीं तो देखिए एग्ज़ाम आपका जून में प्रस्तावित होगा, तो देखिए जून में सभी परीक्षाएं शुरू होना हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा अभी देखिए जून की बात करें तो देखिए जून के एकदम अंतिम या फिर देखिए जुलाई माह कह सकते हैं, तो देखिए जुलाई माह में आपकी परीक्षाएँ होना संभावित हो सकती हैं। ठीक है, देखिए बात करें देखिए आपको देखिए अगर देखिए न्यूज़ की, तो देखिए दिया है कि देखिए UGC ने कॉलेज में इसी माह होने वाली ऑफलाइन परीक्षा को स्थगित की। देखिए UGC की बात करेंगे, देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो देखिए इसी महीने होने वाले सभी ऑनलाइन परीक्षाओं को देखिए ऑफलाइन परीक्षाओं पर रोक लगा दी, क्योंकि देखिए आपको पता है कि मई माह में होने वाले सभी परीक्षाओं को रोक दिया गया है, या तो यदि सेंट्रल की बात करेंगे या फिर स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए देखिए कोरोना के देखिए खतरे को से जागरूक करेंगे प्रसिद्ध विद्यालयों के शिक्षक। अब देखिए आप वो देखिए देखिए एक बात आप लोग देखिए हाँ देखेंगे, जो भी आपके प्राइमरी टीचर बनेंगे, अब देखिए जो भी प्राइमरी का आपका सिलेबस बनेगा ना, पाठ्यक्रम होगा, उसमें ये कोरोना याद रखेगा एक आपका चैप्टर के रूप में ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएगा। जैसे देखिए कुछ आपके जैसे देखिए आपका कुछ राज्य ऐसे हैं जो जो पाठ्यक्रम में कोरोना को शामिल कर दिए, जैसे आपका एक द महाराष्ट्र बना है, देखिए वहाँ पर जो भी आपके बच्चों की किताबें बन रही है उसमें कोरोना एक चैप्टर के रूप में डाल दिया गया है। तो देखिए अब UP में भी होगा कि जो भी टीचर होंगे बच्चों को इसके प्रति तेज जागरूक करेंगे। ठीक है, देखिए बात देखिए देखिए कुछ आपके देखिए और आपकी न्यूज है कि देखिए एक खुराक वाले स्पुतनिक टीकों की मंजूरी। देखिए उत्तर प्रदेश में यदि बात करें या फिर इंडिया में, तो देखिए भारत में अब तक देखिए दो तरह की वैक्सीन लग रही है। ठीक है, एक का नाम है कोवैक्सीन, ठीक है, और एक है आपका कोविशील्ड। ठीक है, और देखिए ये दोनों आपके इंडिया के द्वारा बनाए गए। ठीक है, कोविशील्ड है, ये दोनों देखिए अब तक आपका मुफ्त के रूप में लगाए जा रहे थे, इन दोनों के दो दो आपके डोज थे। ठीक है, इन दोनों के दो डोज लगते थे, लेकिन देखिए अभी रूस से देखिए अभी बनाया गया टीका, उसका नाम है स्पुतनिक टीका, अभी इसका केवल एक डोज लगेगा, और देखिए यह भारत में आपके देखिए 737 रुपया का कीमत में लगाई जाएगी। ठीक है, और देखिए अब तक ये जो आपका टीका लगा था भारत में वो आपके निःशुल्क था, लेकिन अब ये जो टीका लगेगा स्पुतनिक का, याद रखिएगा इसकी आपकी दाम रखी जाएगी 737 रुपया। ठीक है, और देखिए इसका भी यदि बात करेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कुछ हद तक इसका और भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। ठीक है, देखिए देखिए कुछ आपके देखिए न्यूज देखिए और भी हैं कि देखिए लगातार तीसरे दिन आपके पेट्रोल और डीजल और आपके महंगा, और दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली के साथ साथ आपके 5 राज्यों में देखिए चुनाव के नतीजे के बाद 3 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। देखिए पेट्रोल के दाम में बृहस्पतिवार को 25 पैसे की और डीजल के दाम में 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है ना, और देखिए पेट्रोल और देखिए डीजल के दाम पर देखिए बढ़ने का रीज़न क्या आएगा, देखिए चुनाव हो गया है, रिजल्ट आ गया है, उसके बाद देखिए जो भी सरकार है अपने मन से अपना दाम बढ़ा सकती है, क्योंकि अब तो इसमें कोई हाई चुनाव नहीं, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव 2022 में होने वाला है। ठीक है, तो याद रखेंगे सरकार कुछ करेगी तो करेगी, नहीं तो फिर इनका भी सुपड़ा यहाँ से साफ ही है। ठीक है, देखिए बाकर देखिए अगला देखिए न्यूज है कि देखिए तीसरी लहर में यदि देखिए बच्चे संक्रमित हुए तो क्या करेंगे, कि बातें आपात योजना। देखिए याद रखिएगा जो आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट है, देखिए केंद्र से क्या मंगा है, जवाब मंगा है कि माता पिता क्या करेंगे, अभी से तैयारी करेंगे तो बच्चे बच सकते हैं। और याद रखिएगा देखिए जब कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसमें बच्चों को सबसे अधिक देखिए अधिक नुकसान होने का खतरा है, इसीलिए अपने आप को बचा कर रखेंगे। ठीक है, और देखिए या देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी एकदम सख्त हो गए राज्यों को लेकर कि देखिए क्या बोलेगा कि देखिए अलग अलग राज्य में क्या क्या योजनाएं हो रही हैं तीसरी लहर से बचने के लिए, क्या क्या सरकार प्लानिंग कर रही है, इसके बारे में रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए एकदम अपने आप को बचा कर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए देखिए आगे देखिए आपका देखिए आगे देखिए न्यूज है कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा आज है, और देखिए सभी लोगों से देखिए अपील किया गया कि जो देखिए जो भी लोग रमज़ान करें अपने खुद अपने घर पर करें, कहीं देखिए भीड़ भाड़ में ना हो इकट्ठा हो। याद रखिएगा इस समय 4.5 लाख केस आपके इंडिया में आ रहा है पर डे, अगर ऐसे बना रहा है तो इन 4.5 लाख में कहीं देखिए विशेष तौर पर यदि गांव की समस्या आने लगी इसी में, तो याद रखिएगा गांव में यह कोरोना बहुत तेज़ी से फैलेगा और ये आंकड़ा धीरे धीरे 6 लाख या 7 लाख के पार चला जाएगा, तो वो कंडीशन भारत के लिए समझिए एकदम और भी
विराल रूप ले लेगी। तो देखिए प्रयास करेंगे इसी, देखिए एकदम बचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज की देखिए न्यूज़ देखिए एकदम साफ हो गई है, और देखिए कंटिन्यू देखिए डेली बाय डेली एकदम सुबह सुबह आपको न्यूज़ का देखिए एक वीडियो आपको मिल जाती है, जिससे आपको जो भी घटनाएँ घटती होती हैं या फिर देखिए न्यूज़पेपर में या फिर जो भी आपके विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं सभी सभी न्यूज़ आपको देखिए वीडियो के माध्यम से दे देते हैं, ठीक है। देखिए थैंक्स सभी लोगों को, थैंक्स।